बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाइन्थ क्लास आज हम चैप्टर नाइन ट्रांसफर ऑफ हीट्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट तीन मोड्स जो हैं ट्रांसफर ऑफ हीट के वो उनके नाम लिखने हैं तो हमारे पास जो हीट ट्रांसफर करने के तीन मोड्स हैं उनमें से एक कंडक्शन दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन है आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन ये तीन प्रोसेस होते हैं इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे जहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कंडक्शन क्या होता है कन्वेक्शन क्या है और रेडिएशन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है डिफाइन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू ए मेटीरियल एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की डेफिनेशन लिखनी है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है इसको हमने डिफाइन करना है तो अमाउंट ऑफ हीट जो फ्लो करती है एक स्पेसिफिक टाइम में यूनिट टाइम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ उसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का नाम दिया जाता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितनी अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करेगी एक यूनिट टाइम में उसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का नाम दिया जाएगा मैथमेटिकली इसको हम लिखते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इक्वल टू क्यू बाई टी यहां पे क्यों हीट है और टी टाइम है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री है डिफाइन कंडक्शन ऑफ हीट कंडक्शन ऑफ हीट के हीट कंडक्ट कैसे करती है तो कंडक्शन से जो कंडक्शन की डेफिनेशन है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट कि कोई भी हमारे पास सॉलिड हो जैसे कि ये एक बार दिखाई गई है सॉलिड बार है इसके एक पॉइंट से जब हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो हीट इस हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जो ट्रांसफर होती है किस जरिए से वाइब्रेटिंग एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मदद से तो इसको नाम दिया जाता है कंडक्शन ऑफ हीट का नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर है वी रोल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन कंडक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या रोल होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली होते क्या हैं सबसे पहले वो बता दू आपको तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑर्बिट में वैसे तो न्यूक्लियस के गिर और डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तो वीकर इंटरेक्शन की वजह से जो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं मेटल में इधर उधर तो जब हीट प्रोवाइड की जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स हीट अप होने के बाद फ्रीली उस मेटल के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं तो वो क्या करते हैं हीट एनर्जी अपने साथ ले जाते हैं तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स की वजह से मेटल के अंदर कंडक्शन ऑफ हीट होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव है वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्यों हैं तो मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर सकते हैं हाई वेलोसिटी के साथ मेटल के अंदर तो जब हम इस मेटल के एक हिस्से पर हीट प्रोवाइड करते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हीटअप हो जाते हैं तो वो ऑलरेडी फ्रीली मूव कर सकते हैं तो हीट अप होने के बाद उनकी कैनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी वो और ज्यादा तेजी से मूव करेंगे जिसकी वजह से जो मेटल्स हैं वो ज्यादा जल्दी हीट अप हो जाती हैं। तो हीट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ ज्यादा तेजी से पहुंच जाती है तो मेटल ज्यादा जल्दी हीट अप हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉलिड मटीरियल वट इज इट्स एस आई यूनिट थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड मटेरियल की क्या है और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या चीज है रेट टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ वन कैलविन इस कार दर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस क्या कहा गया है कि कोई भी हमारे पास सब्सटेंस मौजूद हो और उसका टेम्परेचर वन कैलविन तक क्या किया जाए मेंटेन करके रखा जाए टेम्परेचर वन कैलवे हो कोई भी सब्सटेंस उस सपोज एक क्यूब है क्यूब और उस क्यूब की जो लेंथ है वो वन मीटर है विथ वन मीटर है हाइट वन मीटर है ठीक है और उसको उसका टेम्परेचर वन कैल्विन तक रखें तो जो हीट एक हिस्से से दूसरे सिरे तक एक सिरे से दूसरे सिरे तक फ्लो करेगी उसको थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ का नाम दिया जाएगा कि कोई भी किसी भी मटेरियल का कोई क्यूब क्यूब है है उस क्यूब वो होता है जिसकी लेंथ विथ और हाइट सेम होती है अब उस क्यूब का टेम्परेचर वन कैलविन तक रखते हुए उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो हीट फ्लो करेगी इसको नाम दिया जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी का और थर्मल कंडक्टिविटी का जो एसआई SI यूनिट होता है वो वाट पर मीटर पर कैल्विन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन है बिटवीन कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स के दरमियान क्या डिफरेंस है तो जो कंडक्टर्स हैं, वो हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हीट को पास होने देते हैं और नॉन कंडक्टर्स या जिनका दूसरा नाम इंसुलेटर्स भी है वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं होते हैं जो हीट को पास नहीं होने देते कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं जिसकी वजह से इनकी थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है और जो इंसुलेटर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते जिसकी वजह से इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी लो होती है कंडक्टर्स में पॉजिटिव टेम्परेचर कोफ़िशेंट होता है और नॉन कंडक्टर्स में नेगेटिव टेम्परेचर को एफिशियंट होता है कंडक्टर्स की एग्जाम्पल सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम ये सब कंडक्टर्स हैं और जो नॉन कंडक्टर्स होते हैं वो रबड़ है वुड है गिलास है ये सब इंसुलेटर्स होते हैं या नॉन कंडक्टर्स होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट नेम टू कंडक्टर्स व्हाट आर यूजेस ऑफ कंडक्टर्स कोई से भी कंडक्टर्स के दो नाम बताने हैं कि कौन कौन से वो कंडक्टर्स होते हैं और उनके यूजेस बताने हैं तो कंडक्टर्स हमारे पास अगर हम लें तो एल्यूमिनियम है और कॉपर है ये दो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं अब इनके इस्तेमाल कहां पे किया जाता है जो हम घरों में कुकर इस्तेमाल करते हैं कुकिंग प्लेट होती है बॉयलर है रेडिएटर्स हैं या कंडेंसर्स हैं इसी तरह रेफ्रिजरेटर है ये सब के सब मेटल्स के इन ही मेटल्स के बने होते हैं यानी कि एल्यूमिनियम के कॉपर के आयरन के या इस तरह के ठीक है जो भी मेटल्स होते हैं ये इनसे बने होते हैं इसी तरह जो मेटल बॉक्स होते हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है बर्फ बनाने के लिए आइस बनाने के लिए या आइसक्रीम बनाने के लिए तो उसकी रीजन क्या है कि वो हीट को इजीली पास आउट होने देते हैं तो हीट पास होने से मुराद सिर्फ लो हाई टेम्परेचर नहीं है बल्कि लो टेम्परेचर भी ये इजीली पास होने देते हैं तो इस वजह से कंडक्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है घरों में आम जो बर्तन हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या ऐसी चीजें जिनमें हमने आइस बनानी होती है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन है नेम टू नॉन कंडक्टर्स व्हाट आर यूजेस ऑफ नॉन कंडक्टर्स नॉन कंडक्टर्स कोई से भी दो बताने हैं और इनके इस्तेमाल क्या होते हैं वो भी बताने हैं तो वुड प्लास्टिक और एयर नॉन कंडक्टर्स हैं या जिनको हम इंसुलेटर्स का नाम दिया जाता है या जिनको हम इंसुलेटर्स का नाम देते हैं अब ये कहां पे इस्तेमाल होते हैं हैंडल्स हैंडल्स जो सॉस के होते हैं, हॉट प्लेट्स होती हैं या स्पून इनके जो हैंडल्स होते हैं वो किस चीज के बनाए जाते हैं वुड या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं ताकि हीट उन तक ना पहुंच सके हमने जाहिर सी बात है उनको हाथ से पकड़ना होता है तो अगर वो अप हो जाएंगी तो चम्मच या जो भी सॉस पैन है वो हमारे हाथ से गिर जाएगा तो उसका जो हैंडल होता है वो लकड़ी या रबड़ का बनाया जाता है दूसरा यूज क्या है हॉट वाटर टैंक्स आर इंसुलेटेड बाय प्लास्टिक और फॉर्म लेगिंग जो हॉट वाटर टैंक्स होते हैं उनको इंसुलेट कर दिया जाता है प्लास्टिक या फॉर्म लैगिंग की मदद से ताकि वो भी जो इंटरनल वाटर टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे थर्ड यूज क्या है वॉल कैविटीज आर फिल्ड विथ प्लास्टिक फॉर्म और वूल वॉल कैविटीज जो दीवार के अंदर थोड़े बहुत सुराख रह जाते हैं या वैसे ही हम दीवार के अंदर को गैप छोड़ देते हैं तो उन कैविटीज को फॉर्म या भूल की मदद से फिल कर दिया जाता है ताकि जो एक्सटर्नल टेम्परेचर रूम के बाहर का टेम्परेचर है वो अंदर ना आए इसी तरह लास्ट मटेरियल जो रूम की सीलिंग होती है उसको इंसुलेटिंग मटेरियल की मदद से कवर कर लिया जाता है फॉल सीलिंग का नाम दिया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन है एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन कन्वेक्शन का प्रोसेस क्या होता है तो ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस इज नोन एज कन्वेक्शन के जो एक्चुअल मूवमेंट होती है यानी कि मॉलिक्यूल्स खुद मूव करके जाए हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस की तरफ तो ऐसे प्रोसेस को कन्वेक्शन का नाम दिया जाता है लिक्विड या गैसेस पे ये कन्वेक्शन का प्रोसेस अप्लाई होता है और लिक्विड या गैस जब उसको हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो एक्सपेंड करती है एक्सपेंड होगी तो उस, उसकी जो डेंसिटी होगी वो लेस हो जाएगी ठीक है जब डेंसिटी लेस हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि हॉट लिक्विड या गैस डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर की तरफ उठ जाएंगी तो अब नीचे जगह खाली हो जाएगी ये आप रेड कलर रेड एरोज की मदद से देख सकते हैं कि सपोज जहां पर वाटर दिखाया गया है तो वाटर हीट अप होने के बाद ऊपर उड़ जाएगा तो नीचे जो एम्प्टी स्पेस रह जाएगी इसको फिल करने के, के लिए किनारों से ये ब्लू कलर के आपको एरोज नजर आ रहे हैं वो कोल्ड वाटर इसकी जगह ले लेता है तो ये साइक्लिक प्रोसेस इसी तरह जारी रहता है कि कोल्ड वाटर जो है वो इस जगह पे आता रहता है और हीट अप होके ऊपर जाता रहता है जिससे के ये कन्वेक्शन का प्रोसेस जारी रहता है इसी को कन्वेक्शन मॉलिक्यूल्स खुद हीट अप होने के बाद अपनी जगह से हट जाते हैं और वहां पे कोल्ड मालिक्यूल्स आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या फर्क है यह बताना है तो कंडक्शन

प्रोसेस uh, होता है हीट ट्रांसफर होने का उसमें मूवमेंट होती है मालिक्यूल्स की मालिक्यूल्स अप होने के बाद अपनी जगह से हट जाते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं दूसरा डिफरेंस क्या है कि कंडक्शन का प्रोसेस सॉलिड्स में होता है जबकि कन्वेक्शन का फ्लूइड या गैसेज में होता है कंडक्शन इज ड्यू टू दी टेम्परेचर डिफरेंस कंडक्शन किस वजह से होती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से और कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है

तो की जगह लेने के लिए कोल्ड मॉलिक्यूल्स ऊपर से नीचे आते हैं उस जगह पे तो ये प्रोसेस जारी रहता है इसको कन्वेक्शन करंट का नाम दिया जाता है कन्वेक्शन करंट इजीली सेटअप हो सकता है ड्यू टू डिफरेंसेस इन डेंसिटीज ऑफ एयर एट वेरियस पार्ट्स इन दी एटमोसफेयर के एटमोसफेयर में अगर एयर की सपोज हम बात करें तो एयर की डेंसिटी अगर नीचे कम है ऊपर ज्यादा है या ऊपर कम है नीचे ज्यादा है तो वो क्या होगा उसकी वजह से कन्वेक्शन करंट इजीली सेटअप हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन है सजेस्ट अ सिंपल एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन करंट फ्रॉम डेली लाइफ के सिंपल एग्जांपल बतानी है कन्वेक्शन करंट की डेली लाइफ से तो डेली लाइफ में जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स हीट अप होने के बाद अपनी जगह से ऊपर उठ जाते हैं और उनकी जगह लेने के लिए किनारों से कोल्ड मॉलिक्यूल्स इस जगह पर आते हैं तो वो हीट अप होने के बाद ऊपर उठ जाते हैं इसी तरह यह प्रोसेस जारी रहता है इसको कन्वेक्शन करंट का नाम दिया जाता है जो उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक वाटर मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी है वो उनमें डिफरेंस रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है वाई डज स्मोक राइज अप दिमनी स्मोक जो होता है धुआं है वो चिमनी सोपर की तरफ क्यों उठता है तो उसकी रीजन ये है कि आपको यह बताया जा रहा है इस चैप्टर के अंदर कि कन्वेक्शन के प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर मॉलिक्यूल्स हैं या कोई भी फ्लोइड है उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट अप होने के बाद ऊपर उठते हैं जब वो ऊपर उठेंगे तो स्मोक को भी अपने साथ ऊपर ले जाएंगे तो वो चिमनी के अंदर से होता हुआ स्मोक ऊपर की तरफ राइज कर जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है वट इज मेड बाई ग्लाइडिंग ग्लाइडिंग से क्या मुराद है तो ग्लाइडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऐसी फ्लाइट है जिसमें जो एयरक्राफ्ट है उसमें इंजन इस्तेमाल नहीं किया जाता और ग्लाइडर पायलट्स जो होते हैं वो एयर करंट्स की जो अपवर्ड मूवमेंट है उसका सहारा लेते हुए ऊपर की तरफ प्रवास करते हैं उसको कन्वेक्शन ऑफ हीट का नाम दिया जाता है कि कन्वेक्शन ऑफ हीट का प्रोसेस इस्तेमाल करते हुए का फेनोमिना इस्तेमाल करते हुए वो ऊपर की तरफ उड़ते हैं कन्वेक्शन ऑफ हीट क्या है कि एयर हॉट एयर राइजेज अप हॉट एयर ऊपर की तरफ उठती है तो जब एयर अप होकर ऊपर की तरफ जाएगी तो वो इस ग्लाइडर को भी ऊपर ले जाएगी तो इसमें कोई भी इंजन इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि जो एयर राइज अप होती है तो वो इस ग्लाइडर को भी ऊपर ले जाती है तो इस तरीके से जो ग्लाइडर होता है वो क्या करता है काफी ज्यादा देर तक हवा में ठहरा रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है एक्सप्लेन वाई यूर हाउस इज वॉप फ्लोर एंड कोल्ड इन देशमेंट ये एक्सप्लेन करना है कि जो आपका घर होता है वो टॉप फ्लोर पे तो गर्म होता है लेकिन बेसमेंट में ठंडा क्यों होता है तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि कन्वेक्शन के प्रोसेस के जरिए से एयर हीटअप होने के बाद ऊपर की तरफ उठती है और उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा आ जाती है तो नीचे जो है वो ठंडी हवा होती है जो जो ही एयर हीटअप होगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगी तो खिड़कियों से या दरवाजे से ठंडी हवा तो इंटर हो जाती है टेम्परेचर हाई होने की वजह से जूं जूं एयर अप होगी तो वो ऊपर बढ़ती जाएगी तो इस वजह से ऊपर जूं जूं हम ऊपर वाले फ्लोर पे जाएंगे ऊपर जो एयर टेम्परेचर होगा वो हाई होगा जबकि नीचे हिस्से में या बेसमेंट में ज्यादा ठंडक होगी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है वाई कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस जो कंडक्शन का प्रोसेस है वो गैसेज में क्यों नहीं होता तो गैसेज जो कंडक्शन है सॉलिड की अगर हम बात करें तो कंडक्शन का प्रोसेस सॉलिड में इन्वॉल्व होता है लिक्विड या गैसेज में नहीं होता सॉलिड जो हैं उनके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ वो अपनी एनर्जी साथ वाले पार्टिकल्स को देते हैं और वो अपने साथ वाले पार्टिकल्स को देते हैं इस तरह ये प्रोसेस जारी रहता है और हीट एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक चली जाती है ये कंडक्शन का प्रोसेस है कन्वेक्शन का प्रोसेस अब वो कंडक्शन का प्रोसेस इसमें नहीं हो सकता क्योंकि इनके पार्टिकल्स के दरमियान गैप बहुत ज्यादा होता है और जू ही कोई पार्टिकल हीट अप हो जाएगा तो वो क्या करेगा मूव कर जाता है फ्रीली मूव कर सकते हैं इस वजह से तो वो अपने नेबरिंग पार्टिकल को हीट प्रोवाइड नहीं कर सकता जिसकी वजह से गैसेज में जो कंडक्शन का प्रोसेस है वो नहीं हो सकता इसमें कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है कि ये मॉलिक्यूल्स हीट गेन करने के बाद अपनी जगह से हट जाते हैं और इधर उधर मूव कर जाते हैं उनकी जगह पे और एटम्स आ जाते हैं और वो हीट अप होके आगे पीछे मूव कर जाते हैं तो सॉलिड्स में कंडक्शन का प्रोसेस होता है और गैसेज में कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है इधर कंडक्शन का प्रोसेस नहीं हो सकता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन लैंड एंड सी ब्रीजेस डिफरेंस क्या है लैंड और सी ब्रीज का तो लैंड ब्रीज की अगर हम बात करें तो लैंड ब्रीज रात के वक्त होती है और सी ब्रीज जो है वो हवा है जो दिन के वक्त चलती है लैंड ब्रीज जमीन से समंदर की तरफ चलती है और सी ब्रीज समंदर से लैंड की तरफ ब्लो करती है लैंड ब्रीज में क्या होता है कूल्ड एयर सिंक्स ऑन लैंड जो जमीन होती है उसके ऊपर ठंडी हवा सिंक कर जाती है जबकि सी ब्रीज में जो गर्म हवा होती है वो एक्सपेंड करती है और राइज कर जाती है जमीन के ऊपर यानी के लैंड ब्रिज में जमीन के ऊपर जो एयर होती है वो सिंक करती है और सी ब्रिज में जमीन के ऊपर जो एयर होती है वो वार्म एक्सपेंड करती है लैंड ब्रिज में समंदर के ऊपर जो एयर होती है वो एक्सपेंड करती है और सी ब्रिज में समंदर के ऊपर जो एयर होती है वो सिंक कर जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है हाउ डज हीट रीच फ्रॉम द सन जो हीट है वो हम तक सूरज के जरिए से हम तक कैसे पहुंचती है तो हीट हम तक सूरज के जरिए से रेडिएशन के प्रोसेस के जरिए से पहुंच रही होती है रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की सूरत में सूरज से जो हीट है वो जमीन तक पहुंच रही होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है कूलर इन इन समर एंड विंटर जो के होते हैं वो गर्मियों में ठंडे होते हैं और सर्दियों में गर्म रहते हैं अंदर से उसकी वजह क्या है तो बेसिकली मड एक नेचुरल इंसुलेटर है इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है जो हीट को पास नहीं होने देता तो नेचुरल इंसुलेटर से मुराद ये भी है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी काफी लो होती है जब थर्मल कंडक्टिविटी लो होगी तो ये बाहर का जो गर्मियों में जो बाहर का हाई टेम्परेचर है वो अंदर नहीं जाने देता और इसी तरह सर्दियों में जो बाहर का लो टेम्परेचर है वो रूम के अंदर एंटर नहीं होने देता तो इस वजह से ये जो मट्टी के बने हुए घर होते हैं ये गर्मियों में ज्यादा ठंडे रहते हैं और सर्दियों में गर्म रहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है एक्सप्लेन वाई वेयरिंग ऑफ डॉर्क कलर क्लॉथ रिकमेंडेड इन समर गर्मियों में जो ज्यादा डार्क कलर होता है वो नहीं पहना जाता ये रिकमेंड किया जाता है कि लाइट कलर के कपड़े पहने गर्मियों में डार्क कलर के कपड़े ना पहने उसकी वजह क्या है तो ये डार्क कलर जो है वो हीट ज्यादा अब्सॉर्ब करता है जबकि जो डार्क कलर नहीं होता लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो जो रहते हैं किसी भी सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसका कलर डार्क होगा तो वो हीट अब्सॉर्ब कर लेगा और अगर उसका कलर लाइट होगा तो वो हीट रिफ्लेक्ट कर देगा जब ये हीट अब्सॉर्ब करता है तो डेफिनेटली हमने कपड़े हमारे बॉडी के ऊपर मौजूद हैं तो हीट अब्सॉर्ब करेंगे तो वही हीट हमारे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी जिसकी वजह से हमें गर्मी ज्यादा फील होगी तो चाहे वो कार है चाहे कपड़े हैं किसी भी चीज का कलर अगर डार्क होगा तो वो गर्मियों में ज्यादा हीट देगी और अगर वो लाइट कलर होगा तो वो गर्म उससे कम हीट हमें फील होगी जहां तक हमारे पास इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन थे मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें और अगर आप हमसे ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं थैंक यू